मेरे के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और सुनामी का दौर जारी है और लेते हैं अपना सवाल। सर, हम अपने प्रोफाइल को नेट पे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? और अक्सर हमने देखा है जो ऐसी हरकतें करते हैं, लाइक मिसयूज करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग कैसी होती है? देखिए, कुछ बेसिक अगर आप सावधानी बरते तो काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंटरनेट एक महासागर है, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग अलग प्रकार की जानकारियां भी हैं। तो आप जब अपनी पर्सनल जानकारी इस सोशल सागर में डालने वाले हैं तो थोड़ी बहुत केयरफुल हो जाइए। पहली बात, जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाते हैं, कोशिश करें अपने बारे में कम से कम करें। बहुत से लोग तो उसके लिए एक इफेक्टिव वे भी ढूंढते हैं कि वो अपने नाम से नहीं बल्कि एक अनोनिमस सुनोनिम के नाम से वो लॉग इन करते हैं। तो पवन दुबे के नाम से नहीं आएगा, राम श्याम जब के नाम से आ जाएगा, लेकिन एक अपना प्रोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस रूप में नहीं जाना चाहते और अपनी आइडेंटिटी ही डिस्क्लोज करना चाहते हैं, करिए, लेकिन फिर भी मिनिमल इंफॉर्मेशन रखिए ताकि वो इंफॉर्मेशन ट्रैक डाउन करके आपका इस्तेमाल आपको आपको तय करने के लिए इस्तेमाल ना की जा सके। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों से तुरंत एकदम घुल मिलना चाहिए। कभी भी आप सड़क चलते किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ गले नहीं मिलते। ठीक वही एनालॉजी अगर आप सर्विस स्पेस में डालेंगे तो एनालॉजी में बिल्कुल ठीक होगी। हर व्यक्ति आपका मित्र नहीं हो सकता। जो मित्र रिक्वेस्ट आ भी रही है तो उसी तरह टटोलिए, उनका बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही आप संतुष्ट हो तब आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। तीसरी बात, अगर आप इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में रहे तब आप इंटरनेट पर कोशिश कर ना जाएं, खासतौर पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, क्योंकि जब आप इमोशनल होते हैं तब आपको मालूम नहीं होता कि आप इमोशंस में कहां बह जाएं और क्या चीज लिखते हैं जो बाद में आपको पश्चाताप हो। चौथी बात, कभी भी ऑनलाइन फ्रेंड से खुद पर्सनली ना मिलिए जब तक आपका मन गवाही ना दे। और पांचवी बात, अगर कोई बहुत स्ट्रिंजर, बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा है, बहुत अग्रेसिव हो रहा है, तो उसको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की कोई मैलिफाइड इंटेंशन है, क्योंकि दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, एक वही व्यक्ति इतना ज्यादा क्यों नीचे पड़ा हुआ है कि आपका मित्र बनना चाहता है? आपकी क्या खास बात है? तो अगर आप बेसिक ऐसे सवाल ढूंढेंगे तब आपको अच्छी से ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी और अपनी सुरक्षा में ही सुरक्षा है। कोई एब्सोल्यूट रूल्स नहीं है, लेकिन जितने आप अपने आप को सावधानी से अपनी इंफॉर्मेशन को डील करेंगे, ठीक उसी सावधानी से ही आप आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। साइकोलॉजी क्या होती है ऐसे लोग जो ये हरकतें करते हैं? देखिए, साइकोलॉजी बड़ी क्लियर है। साइकोलॉजी में हमने किसी न किसी प्रकार से एक ब्रिज बनाना है और ब्रिज बना के उस व्यक्ति विशेष को तहस नहस करना है, पैसे के लिए, हवस के लिए, सेक्सुअल कैपेसिटीज के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन भारत देश में खासतौर पर एक सैडिस्टिक टेंडेंसी बहुत आ गई। किसी इस व्यक्ति ने मेरे से पंगा किया, चलो अब तो मैं इसका बैंड बजा दूंगा। ये बैंड बजाने वाली जो प्रक्रिया है, ये एक मानसिकता के तौर पर पूरे राष्ट्र भर में आ चुकी है। और जब तक आप खुद अपने आप को थोड़ा ज्यादा कंट्रोल नहीं रखेंगे, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे जाल में। तो कोशिश करनी चाहिए समझने के लिए कि जो दूसरी साइड बैठा है वो एक अनोनिमस व्यक्ति है, उसका चेहरा आपके सामने नहीं है, लेकिन चाहे वो 15 साल का लड़का हो या 60 साल की बुढ़िया हो, नहीं डालो। लेकिन जब तक आप सुरक्षित ना हो, आप पूरी तरह अपना वो कन्विंस ना कर सके, किसी के कोई भी प्रलोभन में ना जाए। हर प्रकार का प्रलोभन कहीं ना कहीं एक नकारात्मक परिणाम स्वरूप जरूर पैदा करेगा। बहुत अच्छी बात। अगला सवाल सर, मेरा सवाल आपसे, मैं ये जानना चाहती हूँ, लाइक जितना हम सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं, हमारे देश में जो हम क्राइम आजकल हो रहा है उसे हम पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं, बट जो क्राइम हमारे साथ साइबर में हो रहा है उसको हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? मीन्स ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे हम अपने जाके वी कैन डिस्कस इट? अगर आप सोचते हैं कि आप विक्टिम बने किसी साइबर क्राइम के, तो पहली बात कि आपको इतना करेज लाना पड़ेगा कि मुझे उसे रिपोर्ट करना है। भारतवर्ष में अधिकांश लोग रिपोर्ट नहीं करते। अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने इलाके के लोकल थाने में जा सकते हैं और कोई भी इंस्पेक्टर को अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। कई बार लोगों को होता है यार थाने में क्यों जाएं, पुलिस की हिरासत में क्यों फेस करें? तो बहुत सी इस तरह की साइबर क्राइम स्टेशन है या साइबर क्राइम सेल्स है, जैसे दिल्ली पुलिस का अपना साइबर क्राइम सेल है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई का अपना साइबर क्राइम सेल है। तीन ऐसे ऑप्शन है, तीन वेबसाइट्स हैं। आप वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट के माध्यम से ही ईमेल के द्वारा अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहें तो छुपा भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पुलिस की भी अपनी लिमिटेशंस होगी। जैसे जैन साहब ने कहा, अगर तो व्यक्ति भारतवर्ष में है तो उसको पकड़ना थोड़ा आसान होगा, लेकिन अगर वो हमारे भारत के बाहर में बैठा हुआ है तब उस तक कानून तक पहुंचना थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो आप रिपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत तैयार हो जाइए और ये मत
घबराइए कि पुलिस क्या हैरेसमेंट देगी वगैरह जी, रिपोर्ट कर लीजिए। और तुरंत एक और बात, ना केवल पुलिस को रिपोर्ट करना है, अपने अपने उस सोशल नेटवर्किंग साइट के अब्यूज सेक्शन में जाकर जरूर रिपोर्ट करना है, ताकि आपका जो सोशल ऑनलाइन बिहेवियर वो मॉनिटर कर रहे हैं उसके अनुसार वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स भी ले सकते हैं। अगला सवाल, एक अनुमान के मुताबिक ऑनलाइन चैटिंग में 30% लोग शादीशुदा होते हैं, तो ऐसी क्या वजह होती है कि शादीशुदा होने के बाद भी वो अपना समय ऑनलाइन चैटिंग में व्यतीत करते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सेल्फ डिस्क्रिप्टिव सवाल आपने पूछा। इट स्पीक्स ऑफ दिस रैमिफिकेशन इम्प्लीकेशन जो भी है इसका। ऐसा कुछ नहीं है कि शादीशुदा या गैर शादीशुदा, इसमें इसका कुछ वो नहीं है। ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है, उसका सभी लोग यूज करते हैं या वट एवर इट इज। लेकिन आप जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जो औरतें हैं घर में रहती हैं वो सबसे ज्यादा सोप ओपेरा देखती हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रिपीटर क्लास कई और मर्दों में मैंने देखा है देखते हुए, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ कि वहां अकेलापन कहाँ है, मतलब लोग कहते हैं ना अकेलेपन की तलाश में लोग वहां जाते हैं, लेकिन जब आप शादीशुदा हैं और जो 30% इनका जो आंकड़ा बता रहा है वो कहीं नहीं। देखो अकेला, देखिए समझना, अकेलापन जो है वो केवल शादीशुदा होने से खत्म नहीं होता, ये साइकोलॉजी की बात है। लेकिन इसके साथ जो मैं कहना चाह रही थी, नहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो साइकोलॉजी की बात हुई थी पहले, एक रिसर्च में ये भी साबित हुआ है कि जो लोग वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी चीजें डालते हैं, अपने फोटोग्राफ्स डालते हैं, वो एक साइकोलॉजी उसके पीछे वर्क करती है। अपने को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, जिसको नार्सिसिज्म कहा जाता है, वो एक साइकोलॉजी है। वो आप जैसे आपने कुछ अचीव किया, यू वांट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड मैं जाके अभी आई विल जस्ट पुट इट ऑन द साइट, सो दैट साइकोलॉजी इज वर्किंग। वो साइकोलॉजी क्यों है? क्योंकि इंसान की फितरत हमेशा से वही रही है। वो पहले स्मृति लिटरेचर था, याद करते थे हम लोग जो था, फिर वी स्टार्टेड राइटिंग, फिर स्टोन पे वो हुआ या बुक्स बनी, अब वो है वो ऑनलाइन है कंप्यूटर पे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, तो इंसानी फितरत हमेशा से वही है। बाकी क्राइम वाइन तो हमेशा से रहा, अब उसको एक साइबर प्रेजेंटेशन मिल गया है। बिल्कुल, अगला सवाल। सर मेरा सवाल लगता हूँ दुग्गल जी से। सर ये बताइए कि जो सजा है, सजा कौन कौन सी सजा है इनके अंतर्गत, और शिकायत और सजा का रेशो क्या है, कितना लगता है आपको? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि सजा का जहां कोई प्रावधान है वहां दूसरी ओर हकीकत और सच्चाई ये भी है कि भारतवर्ष में इस समय तक सोशल नेटवर्किंग के किसी भी साइबर क्राइम में कोई सजा नहीं हुई है, क्योंकि कानून नया बना है, कानून करीब 2 साल पुराना बना है, और भारतवर्ष में वैसे भी साइबर क्राइम को पनिशेबल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अधिकांश तौर पर क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल अपने बरखिलाफ जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है उसको डिलीट करता चलता है, ताकि उसको उस तक कानून पहुंच ना सके। और जहां तक सोशल नेटवर्किंग की बात है, कोई साइबर क्राइम कनेक्शन नहीं हुई। भारतवर्ष की बात ले लीजिए, तब भी आंकड़े बहुत ज्यादा शर्मनाक है। क्यों? 1995 में भारत में पहली बार इंटरनेट कमर्शियल तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। उस जमाने से लेकर आज तक केवल 3 मुकदमों में साइबर क्राइम कन्विक्शन हुई है और व्यक्ति विशेषों को सजा हुई है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इस तरह लोगों को सजा पर लाने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में अक्सर पुलिस कच्चा खा जाती है। हमने कई बार देखा है कि पुलिस मुकदमे दर्ज कर लेती है, रेड भी कर लेती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होती है उसको सही रूप से कानूनी प्रणाली के हिसाब से उसको संभाल के नहीं रखती, अदालत में प्रस्तुत नहीं करती। अच्छी बात। अगला सवाल, माता पिता जो कि बच्चों के लिए परमानेंट है, लेकिन वही माता पिता आज इतने लिबरल हो चुके हैं, तो बच्चे इसको किस तरह से फायदा उठा रहे हैं? देखिए, एक हद तक लिबरल होना बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि आजकल आपको अपने बच्चों के जो इतना जल्दी जल्दी एडवांसमेंट हो रही है उनकी थिंकिंग में, उनकी ग्रोइंग अप में टोटली, तो उनके साथ साथ आपको भी जो है कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं, वो उसको काउंटर करने के लिए कि वो कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होने के लिए, इवन द पेरेंट्स जो हैं उनको भी थोड़ा बहुत इंटरनेट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमने लास्ट ईयर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी करी थी, जो था कि जैसे इट्स नॉट जस्ट द किड्स बट इवन द पेरेंट्स हु आर नाउ साइनिंग अप ऑन फेसबुक, बेसिकली बिकॉज द मेन फैक्टर इज दे वॉन्ट टू कीप अ टैब ऑन देयर किड्स।
बट एट द सेम टाइम इट इज हेल्पिंग अ लॉट इन मेकिंग द रिलेशनशिप्स बेटर, क्योंकि जो किड्स हैं वो अपने जब पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे बीच में एक पेरेंट चाइल्ड के बजाय एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कई बार होता है कि आप आमने सामने वो बात नहीं बोल सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, या जैसे फादर फिगर जो है वो मोस्टली एक थोड़ा डिक्टेटर टाइप फिगर होता है हमारी सोसाइटी में, जिससे आप स्पेशली जैसे गर्ल्स हैं वो अपने फादर के साथ नहीं शेयर कर सकती हैं काफी बातें। बट जब वही बात आप उनके सामने नहीं हो, यू कैन लीव अ मैसेज फॉर हिम, यू कैन लीव अ पोस्ट फॉर हिम, तो कितनी बार ऐसा देखा गया है कि वो उनके बीच का कम्युनिकेशन गैप काफी बेटर हो गया है। अगला सवाल। वह सवाल मैं महापात्रा जी से पूछना चाहूंगा। एक सवाल, बहुत कम से कम, बहुत कम उम्र के और बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्य का प्रभावित किया जा रहा है। थोड़ा मुश्किल सवाल है, ये कह रहे हैं कि सामाजिक मूल्य जो हमारी सोशल वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही हैं। तो जहां हम एक और बहुत आगे बढ़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि हम पतन की तरफ भी उतनी ही तेजी से जा रहे हैं अगर हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं तो, सोशल वैल्यूज की बात करते हैं तो? आई थिंक एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ना डिजिटल आई थिंक लैंग्वेज में हम तो बहुत ही प्रगति कर रहे हैं, बट उसका एक्चुअली कंसेप्ट ही समझना भी मुश्किल होती है इन द सोशल टर्म्स। बिल्कुल, सवालों का दौर हम जारी रखेंगे, लेने का एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिएगा।